भाई बेलपुरी भी मिल गई थी। करो भाई हमारा व्यू इस समय, मेरा तो व्यू ये है, अभी नया नया व्लॉगर बना तो वो थक गया है थोड़ा सा। भाई पहले तो अपन कई दिन से आउट ऑफ टच है फिटनेस से, राइट, बट अपन वापस आएंगे, तो चलो स्ट्रेच चेक कर दू मेरा। हाउ दिस? ठीक है, वापसी ऊपर आके दिखा। आउट ऑफ टच। तो यार आज हम है कैमलूप्स में एंड दिस इज द रूम। भाई बहुत ज्यादा अनटाइडी है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अ हाइक। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीनिक व्यूज हैं। ये हमारी गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी हुई है। भाई जूते मैंने पहने नहीं है, जूते गाड़ी के अंदर ही हैं। तो भाई अगर व्यू की बात करूँ तो व्यू तो हमारा ऐसा सा कुछ है, जो मेरे को जो व्यू पसंद है वो इसका व्यू है। भाई ये है अपनी ग्लैडिएटर रूबिकॉन। इंडिया में ये वाला मॉडल नहीं आता जिसके पीछे ये ट्रक वाला, तो इंडिया में नॉर्मल जीप वाला मॉडल आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके पीछे एक्स्ट्रा हमारे को स्टोरेज मिल जाती है, अंदर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पीछे स्टोरेज हो जाएगी। तो इसको मेरा विचार बन रहा है भाई, इसका मैं तुम्हारे को बताऊंगा। आई कीप यू गाइस पोस्टेड एंड दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ कैमलूप्स। अभी हम थोड़ा सा बाहर है कैमलूप शहर के, और अभी हम कैमलूप शहर के अंदर जाने वाले हैं, गाड़ी लेके जाएंगे। वहाँ पर एक हमने साइकिल की ट्रेल ढूंढी है। तो भाई शूज हो गए हैं रेडी, अब हम हैं बेसिकली ट्रेल रेडी। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था, या बोल, ये देख लीजिए, ये है भाई हमारा सौदा, दिल्ली वालों का प्यार और थोड़ी सी बुरी आदत भी आप बोल सकते हो इसको। इसके अंदर रखा हुआ है शीशा, तो चलेंगे कहीं पे इसको लेके चलते, काफ़ी टाइम से भाई इसको यूज़ नहीं करा, बेचारा नाराज़ वराज ना हो जाए। ऊपर कहीं जाते हैं व्यू पॉइंट पे बैठते और वहाँ से देते थोड़ा सा नज़ारों के मज़े और शीशे के मज़े। लेट्स गो। तो भाई आज हम निभाएंगे को पायलट की भूमिका। तो भाई कुल मिला के 3 मिनट रह गए हैं, हमारा विचार है आज शॉपर्स ड्रग मार्ट जाने का, क्योंकि लोगों की लोअर बैक में होने लग गया है दर्द, बेल्ट रह गई है घर पे, साथ ही साथ वरुण के हो रहा है इसमें फोरा में दर्द, क्योंकि वो सेल्फी स्टिक उठा उठा के, अभी नया नया व्लॉगर बना है तो वो थक गया है थोड़ा सा, तो ये सारे सामान लेते हैं। साथ ही साथ भाई पानी भी ख़त्म है तो पानी की भी क्रेट वहाँ से ले लेंगे, और कुछ दिखेगा तो वो भी वहाँ से उठा लेंगे। शहर एक नंबर का है भाई, शहर में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा मतलब पॉपुलेशन बल्कि कम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आसपास बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यूज़ हैं एंड मोस्टली जो भी कनाडा है, कनाडा में मोस्टली शहर्स यहीं पे होते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी वो सारी की सारी जगह मिलती हैं, कि भाई शॉपर्स ड्रग मार्ट हो गया और वॉलमार्ट हो गया, कॉफ़ी के लिए टिम हॉर्टन्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, विनर्स हो गया, होम सेंस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हर शहर में है, छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में। अभी पीछे ही रास्ते में एक शहर था भाई, जिसके अंदर लिटरली मैं बता रहा हूँ कुल मिला के 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी, बट वहाँ पे भी टिम हॉर्टन्स था ही था। वो बना रहा था ना यार, माइक नहीं लाया मैं। तो भाई ये रहा अपना शॉपर्स ड्रग मार्ट, यहाँ पे सारा का सारा ये भाई लड़कियों का सामान है, यहाँ नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पे मेन स्किन केयर है, बट ये सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ऑलमोस्ट मतलब हर चीज़ मिलती है शॉपर्स ड्रग मार्ट में रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, और जो हमको हमारी नॉर्मल फार्मेसी या फिर केमिस्ट पे मिलता है। केमिस्ट मैंने इसने बोला क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यूँ लगता है कि फार्मेसी इज़ अ केमिस्ट। देखो भाई कहाँ गए अपने लौंडे, ओह लौंडे सामने ही खड़े हैं बिल्कुल। भाई ये तो चाहिए, इसमें रबर ही नहीं। ये रही भाई, यहाँ पे ये है सारा का सारा जो चाहिए, बैंडेड्स वगैरह हैं हमारे पास ऑलरेडी। ये लो भाई, ये तो सोल वोल है, आगे भी होंगे। ये रहे बैंड्स, ये रहे भाई, ये रहे लोअर बैक और ये सारी की सारी चीज़ें। ये वाला रिस्ट बैंड्स, अरे नहीं भाई के लिए बैक के लिए, बैक के लिए बेल्ट। ये बैक सपोर्ट रहा, ये रहा बैक सपोर्ट विद मैग्नेट, ये आर्म के लिए। भाई मैं डॉक्टर को ना, बट आई वुड सीरियसली गो विद दिस वन, वो रहा ना एडजस्टेबल कंप्रेशन और ये सब चीज़ें। तो भाई ये दोनों अभी रिसेंटली थोड़े से बीमार हुए हैं, तो भाई ये दो चीज़ ले ली हैं। अभी लोगों की नज़र पड़ी है प्रोटीन बार पे, तो प्रोटीन बार भी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी वाली प्रोटीन बार्स ख़त्म हो गई है, और जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे आए हो तो आपके पास ये वाला स्नैक बहुत ज़रूरी है होना। तो अभी भाई साहब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी लेनी है। प्योर प्रोटीन ब्रो, प्योर प्रोटीन।
पूरा एक डब्बा उठा ले। कोई नया है लेकिन इसमें वो प्रोटीन कम है, बट दिस माइट टेस्ट गुड राइट। ग्लूटेन फ्री 18, हाँ ठीक है ले ले। ग्लूटेन फ्री किसको पता है ग्लूटेन होता क्या है, ये ग्लूटेन फ्री गेम है भाई सिर्फ। ले लो ले लो ये ले लो, बस प्रोटीन बार ले लिया, अब इसके बाद चलते हैं। भाई मेरे को पर्सनली जो पसंद है ना, बिल्डर्स की एक आती है जिसमें बर्थडे केक होता है, वो वाली मेरी फेवरेट है, वो यहाँ पर है नहीं। तो अभी जो वरुण ने लिया सॉल्टेड कैरेमल वाली, वो वाली देख लेते हैं और खा के कैसी लगती है। जो मैंने आपको पहले बताया था पीछे वहाँ प्रॉपर फार्मेसी है, जैसे किसी को प्रेस्क्राइब्ड अगर कुछ चीज़ें लेनी है तो वहाँ से ले सकता है। इस वाली साइड पर फिर ये ग्रॉसरीज आ जाती हैं। तो भाई इस लड़के ने ना कल मेरे सनग्लासेस तोड़ दिए, नाउ ही ओज मी अ सनग्लास। तो यहाँ से थोड़े से नॉर्मल वाले ले लेते हैं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं लेंगे। भाई वो प्राडा और वर्साची जस्ट घर पहुँचते ही जैसी गाड़ी अपन क्या करेंगे शिप, आई प्रॉमिस। ठीक है तो कब तक ये ले ले यार? अभी दिला कुछ मेरे को ले ले। क्या ले यार? दिस वन पहन के देखते हैं। ओ, ये पैर पकड़। लग तो ठीक ही रहा है, looks है हाँ। तेरे पे तो सूट कर रहा है भाई, तेरे भाई पे सारी चीज सूट कर रहा है। सेक्सी लौंडा भाई, ले ले फिर ज्यादा क्या सोचना। ले लिया, चलो फिर लेट्स गो। देखा लड़कों की शॉपिंग कितनी ज्यादा इजी होती है। सामान उठाया, पसंद आया और चलो पहला ही सामान उठाया, यही लेना भाई। बढ़िया, एक नंबर सेक्सी। वाह वाह, ये लो आप बिल कराओ और मैं इन लोगों को समझाता हूँ। सेल्फ चेकआउट करते हैं। तो भाई ये सेल्फ चेकआउट है, वहाँ पे नॉर्मल काउंटर है, तो आपको सेल्फ चेकआउट दिखाते हैं कि कैसे होता है। पानी की पेटी लिया ना, भाई यहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद यू ऑल यू जस्ट हैव टू डू इज स्कैन द प्रोडक्ट। यहाँ नहीं होता स्कैन पहली बात, देखा इसको भी नहीं पता इतना ज़्यादा। मैंने ध्यान नहीं दिया यार, ज़्यादा काले चश्मे। हाँ हाँ थैंक यू। चटोरे को देख रहे हो? प्रोटीन बार ली इतनी ज्यादा? प्रोटीन बार ली है बट फिर भी ओ हेल्दी जरूरी है। कर लिया भाई? Yes, तो भाई ये इसने पूरा का पूरा बता दिया, हमारा टोटल बिल आया यहाँ यहाँ पे इन सब चीज़ों का और मेरे चश्मों का $142। तो भाई यहाँ पे अब पेमेंट करेंगे, पेमेंट प्रोसीड, नो पीसी कार्ड, जीरो बैग्स, पे नाउ, कंटिन्यू पे नाउ। तो भाई यहाँ से अब अपन कर लेंगे, प्रिंट कर दो ना, नो थैंक्स, हम डोनेट दो डॉलर यार क्या हो गया। चल ठीक है डोनेशन कर दी भाई, पे विद। अब यहाँ पे कार्ड पेमेंट करेंगे और फिर यहाँ से पेमेंट हो जाएगी और यहाँ से अब हम निकलेंगे बाहर और अब हम सीधा जाएंगे हाइकिंग की तरफ। हे ऑल सेट। तो भाई यहाँ पर होगी पेमेंट कंप्लीट। यू डिड रियली रियली गुड। तो ये है भाई शॉपर्स ड्रग मार्ट, यहाँ पे हर एक शहर में शॉपर्स ड्रग मार्ट होते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, ये भी ऑटोमेटिक डोर है, आते ही खुल जाएगा। मतलब सहूलियत हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा है भाई। ये देश वही है जो इनके पास तो ATM भी ड्राइव थ्रू है, तू समझ रहा है? हाँ इनके पास भाई ATM भी ड्राइव थ्रू है, जिन लोगों को नहीं पता। चलते अब यहाँ से गाड़ी की तरफ, गाड़ी के लेते हैं एंड देन वील जस्ट गो टू द हाइकिंग वाली जहाँ पर है। बेसिकली वो हाइकिंग ट्रेल नहीं है, वहाँ पे साइकिलिंग ट्रेल है, बट सिंस वी ओनली हैव वन साइकिल तो एक बंदा साइकिल पे जाएगा, बाकी दो जने अपन वॉक करते हुए हाइक करते हुए आएंगे ऊपर। ये रही अपनी गाड़ी। जिन लोगों को नहीं पता भाई ये रैप बता दूँ, रैप बेसिकली मिलिट्री ग्रीन कलर का है, बट सिंस गाड़ी काली है तो काली के ऊपर मिलिट्री ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस पूरे के पूरे रैप पर पूरा का पूरा मैप लगा हुआ है जो कि वर्ल्ड मैप से हमने लिया है, और वर्ल्ड मैप के ऊपर उसके बाद फिर हमने अपनी आउटलाइनिंग करी है कि हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे। सो गाइस अब यहाँ से कुल मिला के जो हमारी ट्रेल है वो है 4 मिनट दूर, 4.5 किलोमीटर का है ट्रेल का रास्ता। एंड जस्ट लुक एट दिस यार, मतलब पूरी की पूरी वैली इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा सुनहरी है ना, दूर दूर तक माउंटेन्स है, बीच में सबके गहर हैं, ऊपर भाई पहाड़ है, मौसम कितना बढ़िया है। अब 30 डिग्री के करीब हमारा मौसम चल रहा है इस समय एंड हाईवे बिल्कुल साथ से सिचुएटेड है। तो ये पूरा का पूरा शहर कैमलूप्स है, वो आगे तक आपको दिख रहा होगा, वहाँ से रिवर जा रही है, रिवर पे अपन शाम को जाएंगे आफ्टर दिस हाइक। तो अब यहाँ पे आपको मिलते सीधा हाइक पे।
भाई फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पर, यहाँ ये है हमारी ट्रेल की जो शुरुआत होनी है। यहाँ से अपन गाड़ी खड़ी करेंगे, साइकिल उतारेंगे और थोड़ा सा सामान पैक करेंगे और यहाँ से ट्रेल के ऊपर जाएंगे, जहाँ से वो आपको दिख रहा है एक बंदा आता हुआ, तो वहीं से ट्रेल ऊपर जा रही है और वहीं से ट्रेल वापसी नीचे आएगी। ये कोई लूप ट्रेल नहीं है, तो जिस रास्ते से हमने जाना है उसी रास्ते से हमने वापस जाना है। कैना कार्टराइट नेचर पार्क है इसका नाम। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि यार पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे नहीं है, जिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हम आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कैमलूप्स ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड जगह पर है, तो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सिटी कैमलूप्स ऑलरेडी मतलब एक पहाड़ी के ऊपर ही है। तो भाई अपन को मिल गया यहाँ पर एक अपना इंडियन फ्रेंडी, उसने बताया कि क्या फुद्दू सी जगह पे जा रहे हैं और उसी ने रेकमेंड करा है कि आप जाओ यहाँ से दूसरी जगह, सन पीक्स करके नाम है। 49 मिनट्स का रास्ता है भाई, टोटल 65 किलोमीटर हमारे को कवर करना है, तो चलते हैं फिर वहाँ पे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं सन पीक्स के पास, वहाँ ऊपर वो दिख रहा है आपको गंडोला राइड, एंड सामने का व्यू देखो गाइस, तो ये पूरी की पूरी वैली ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नीचे से वहाँ से गंडोला स्टार्ट होएगा एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू गो ऑल द वे अप। तो वरुण गया हुआ है अभी टिकट्स की इंक्वायरी करने के लिए, टिकट्स देखने के लिए। भाई इस जगह का नाम सन पीक्स है एंड यहाँ पर एक पीक नहीं है, देर आर सो मेनी पीक्स। ये वाली जो है ना ये सबसे फार्देस्ट है, क्योंकि अपन राइट साइड से आए हैं एंड पूरा का पूरा जो विलेज है वो आगे लेफ्ट साइड में पड़ेगी, तो ये सबसे फार्देस्ट है और ये सबसे पहली ही गंडोला की राइड है। मतलब यहाँ ऊपर जाके एंड देन यहाँ से आपको बहुत दूर की साइकिलिंग करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बताया 1 किलोमीटर आगे जाके विलेज है, विलेज में आपको मिल जाएगा हमारा प्रॉपर जो गंडोला है और वहीं से अपन टिकट्स परचेज कर सकते हैं। तो हमारे को सीरियसली ये लग रहा था कि भाई ये शायद बंद है, तो रेंजर्स आए और उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, नाउ वी आर गोइंग। है ना, देखना इसको प्रॉपर फॉक्स वाली शक्ल है भाई इसकी। अरे जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वाओ कितने सुंदर सुंदर घर हैं भाई और कितनी सुंदर जगह पे बने हुए हैं, सामने पहाड़ है और यहाँ पे पूरी की पूरी टाउनशिप बनी हुई है। तो ये सारे के सारे नज़ारे हैं भाई, थोड़ा सा मतलब सिटी से आप बाहर क्या निकलते हो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दिस इज द पार्क आई थिंक सो, या दिस इज द पार्क। ये आगे यहाँ से लेफ्ट लेके यहाँ से कट लेना भाई, पहले अपन कहीं और चले गए थे, अब होपफुली हम शायद से सही जगह पर ही आए होंगे। तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं या टिकट्स के लिए यहीं पर ही है, हेल्थ सेंटर एंड एवरीथिंग। ये भाई डे पार्किंग द एनेक्स डे लॉन्च, तो यहाँ पर है भाई। उसने जो रेंजर था ही टोल्ड अस कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ होंगी, वहाँ आप चले जाओ, यहाँ से गंडोला लेके अपन को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से साइकिलिंग करते हुए वील कम डाउन। तो यहाँ जाते हैं गाड़ी पार्क करते, गाड़ी पार्क करके टिकट्स उठाते और टिकट्स उठाने के बाद आपको बताते हैं कि टोटल कितने की हमारे को टिकट्स मिली हैं। तो भाई यहाँ से जाएगी अपनी गंडोला, इसमें बैठेंगे अपना मस्त साइकिल वाइकिल लेके आगे ऊपर तक जाएंगे, वहाँ से नीचे चलाते हुए आएंगे। देखो देखो उसको, देख हीरो को देख भाई, उछलता कूदता आ रहा वो देख लौंडे वो, हो भाई ये मज़ा भी करते हो आते फुल पावर। चलो टिकट विकेट लेते।
तो यार यहाँ पे ड्रोन वगैरह तो उड़ा नहीं सकते, तो यार प्लीज बोलना मत कि आपने ड्रोन शॉट्स क्यों नहीं ले। कनाडा में काफी सारी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह है जहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। एग्जैक्टली, आई विल कट यू हेयर। ड्रोन शॉट लेगा कैसे? भाइयों, मैंने एक्चुअली ड्रोन शॉट हमारा मन था लेने का सिनेमैटिक्स देने के लिए आपको और बेटर तरीके से, बट मैं पायलट बन रहा था तो मेरे से पेड़ में जाके लगा। सो नाउ विल बाय अनदर वन। अगले दो चार दिन में हम लेने का प्लान कर रहे हैं कैलगरी पहुंच के। तो इतनी दूर दूर क्यों है मुझसे? पास आना। दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। एग्जैक्टली। तो भाई व्यू तो बहुत बढ़िया है और भाई ऊपर जाके और अच्छा व्यू आएगा। हाँ, और ऊपर जाने का विचार। ओ शिट, वो देखो, आई शो यू। ये ऐसे टप 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 ऊपर जाना है, मगर ये भाई साहब टिकट लें तो ही तो जाएंगे। चल जल्दी, बंद हो जाएगा वो, हमेशा लेट। सो गाइस, क्योंकि हमारे को बाइक्स रेंटल पे लेनी है तो भाई एलिवेशन यहाँ पर कंपनी है जो कि ये काम करती है, और यहीं से ही आप अपनी टिकट्स भी परचेज कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर मिलेंगी। हेलो गाइस, हाउ आर यू? और टिकट्स? वी एक्चुअली नीड टू बाइक्स फॉर रेंटल। ओह ओके, यू जस्ट गो अपस्टेयर्स फॉर दैट। गो फ्रॉम हियर? ऑलराइट। ओके, थैंक्स मैन। और यहाँ हाइट चेक कर सकते हो अपनी। भाई बिल्कुल वैसे छोटे स्मॉल टाउन्स की फील नहीं दे रहा। और कितनी अच्छी वाइब है। और जैसे ओल्ड शिमला, शिमला वो ऊपर कहाँ था, वो कौन सी जगह? मनाली। ओल्ड मनाली टाइप्स की वाइब भाई। बड़ा बढ़िया। और उसमें और रिसॉर्ट बन गए जैसे, और अच्छा डाउनटाउन हो गया, राइट? नाइस। और व्यू चेक करो भाई, व्यू। तो भाई हुआ क्या, हम गए वहाँ पे साइकिल लेने के लिए, साइकिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है खत्म, ये बंद होने के लिए 1 घंटा बचा है, साइकिल अवेलेबल है नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहीं से ऊपर जाएंगे और ऊपर से फिर नीचे गंडोला में ही आ जाएंगे वापसी। जस्ट सो यू गाइज नो भाई कि साइकिल का जो रेंटल है $160 के करीब है पर साइकिल। तो भाई मोटा माटी 10,000 रुपये होता है 10,000 की साइकिल 1 घंटे के लिए, मुझे तो नहीं लगी वर्थ इट। और बढ़िया ही है भाई, थी नहीं अवेलेबल, वरना अपन ले लेते। ये भी बात है। चलो फिर अब चलते हैं ऊपर। तो भाई ये टिकट है अपनी, ये मिली है हमें ऊपर जाने के लिए। सन पीक रिजॉर्ट जगह है इसकी और ये सन पीक गाँव है भाई। $66 की टिकटें, तो मोटा मोटी 4,000 की 3 टिकटें मिली हमें। तो भाई ऊपर जाएंगे, ऊपर से नज़ारे चेक करते हैं। आओ। आई डू Perfect. ये वाला व्यू देख के ना मेरे को अपने उत्तराखंड वाले पहाड़ों की याद आ जाती है। ये पूरी की पूरी रॉकी माउंटेन रेंज है और इस समय मतलब हम बिल्कुल बैंफ प्रोविंशियल पार्क की स्टार्टिंग में हैं जब हम वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? टूवर्ड्स ब्रिटिश कोलंबिया से जब आ रहे हैं। कैमरूज ब्रिटिश कोलंबिया में है और जैस्पर जो है अपना वो थोड़ा सा अल्बर्टा के नॉर्थ में पड़ गया बैंफ के ऊपर जाके। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये अपनी रॉकी माउंटेन रेंज है, एंड बिलीव इट और नॉट ये सबसे यंगेस्ट रेंज है। ये यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई स्टॉर्म आए या आग आए या लाइटनिंग हुए तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 बड़े बड़े हॉर्न्स बजेंगे, साइरेंस बजेंगे, एंड उसके बाद जितने भी बाइकर्स हैं उनको ऑल द वे नीचे जाना है हिल्स के जो बीच में फंसे हुए हैं, और जितने भी हाइकर्स हैं उनको ऊपर आ जाना चाहिए हिल्स के ऊपर। तो ये जो चीज़ है इसको ज़रा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि भाई यहाँ पर लिटरली नहीं पता कि वेदर कब चेंज हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर कैलगरी में भाई प्रॉपर एक थंडरस्टॉर्म आया है जिसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, एंड यहाँ पर भी मौसम
काफ़ी अच्छा है। एंड जो डिग्री है, जो टेम्परेचर है भाई, बहुत ज़्यादा डिप करता है। अभी लिटरली हम 30 डिग्री में थे और अभी आधे घंटे की ड्राइव करी और हम 15 डिग्री के अंदर है। तो भाई ये हमारा यहाँ पे है सनबर्स्ट लॉज। यहाँ पे भाई खाने वाने का मिल जाएगा ऑल द वे, एंड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यार यहाँ पर ऊपर आए और ठंड बढ़ गई एकदम से बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो स्वेटशर्ट पहनी थी भाई, बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। बट अब यहाँ पर और कुछ है नहीं करने के लिए यार, अगले 20-25 मिनट में निकलना है। अब ट्रेल वगैरह पे जाएंगे तो 20 मिनट की ट्रेल है, बट आई डोंट थिंक राहुल भाई और देवांशु वो 20 मिनट वाली ट्रेल 20 में कर पाएंगे। 30 मिनट्स तो लेंगे एटलीस्ट, बिकॉज दे आर स्लो पोक्स, राइट। और अब यहाँ से नीचे जाएंगे यार, गंडोला की राइड वो अनाउंसमेंट करेंगे। 6:45 पे नीचे जाने का लास्ट टाइमिंग है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपको 5 किलोमीटर डाउनहिल ट्रैक करके जाना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे ही मैं बहुत इंजर्ड हूँ एकदम से, कल मेरे को थोड़ा सा इंजरी हो गई थी हाथ में, तो उसके बाद से मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, चाहे हाथ में चोट लगी हो चाहे पैर में, मैं चल के नहीं जाऊँगा। तो मैं गंडोला राइड करके नीचे ही जाऊँगा। और बाकी यार व्यू के बारे में मैं तुम्हें जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कितना ब्यूटीफुल है, मतलब कि यार मतलब mesmerizing guys, it's like wow। मगर वो मैं दिखा नहीं पा रहा बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ेगा, और हाइक करने गए तो भाई नीचे 5 किलोमीटर की हाइक होगी। तो प्लीज़ बेयर विद अस, मैं आपको सिनेमैटिक्स थोड़े से इसके दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी अपना दिवांशु कैमरामैन बहुत ही तो ऑसम है, वो अपने आप आपको सारा तरीके से समझा के दिखा देगा व्यूज़। तो भाई बेसिकली अभी हम हैं यहाँ पर जो कि है मिड माउंटेन, 1850 मीटर तक की हाइट है जहाँ जिस लेवल पे अभी हम हैं। और एक दूसरी पीक जो है टॉप माउंटेन समिट है जो कि है उधर ऊपर शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इसके पीछे भी कोई और माउंटेन हो सकता है जो कि मेरे को लग तो नहीं रहा, बट हाँ वो है टॉप माउंटेन, टॉप पीक। वो पड़ेगी भाई अपनी 2152 मीटर की, और यहाँ से बहुत ही सारी ना ट्रेल्स निकल रही हैं। तो छोटी बड़ी जिस तरीके की आपको करनी है उस तरीके की आप ट्रेल्स कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको साइकिल लेके नीचे आना देन यू कैन ऑल्सो कम, पूरा का पूरा नीचे हम साइकिल्स ले नहीं पाए क्योंकि भाई साइकिल थी नहीं अवेलेबल, तो कहाँ से लेते। तो अब यहाँ से थोड़ी सी हाइक करते हैं, 6:45 पे गंडोला राइड बंद हो जाएगी। अभी 5:30 बज रहे हैं, हमारे पास आई थिंक इनफ टाइम है, 1 घंटा है। तो हाइक पे चलते हैं, हाइक पे जाने के बाद फिर वहाँ से अपन आते हैं वापसी, एंड गंडोला लेके फिर अपन वापसी शहर की तरफ चलते हैं। यार एक बहुत अच्छा सनसेट पॉइंट बताया था एक हमारे को जानकार मिल गए थे, तो उस सनसेट पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं कैमलूप्स के पास क्या क्या और है दिखाने के लिए। तो भाई जो 25 मिनट वाली हाइक थी वो हम दोनों भाइयों ने 15 मिनट में कर दी, स्पीड चेक करो भाई। और उसके बाद राहुल भाई वहाँ भुक भुक पड़े थे भाई, वो तो आधे घंटे में भी नहीं कर पाते। तो अपन भागते भागते ऊपर आए ताकि गंडोला राइड लेके ही नीचे जाएंगे भाई। गंडोला ही लेके जानी है क्योंकि गंडोला राइड और बंद होने वाली है, आई थिंक 10-15 मिनट में वो उनकी लास्ट कॉल हो जाएगी, तो हमारे को वो लास्ट कॉल से पहले वहाँ पहुँचना है। और भाई व्यूज चेक करो यार, व्यू चेक करो, ओह वाह, व्यू चेक करो यार, मैं कह रहा हूँ व्यूज चेक करो, हमारे तो व्यूज कम हो रहे हैं भाई। भाई साहब व्यूज कम हो रहे, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करवाओ यार। तो रू से राई हमेशा सबसे तेज। तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं फटाफट क्योंकि आई गेस टाइम देखते हैं, होली फक 6:35 हो गए, तो 9 मिनट में अब ये जो 15 मिनट में करी थी 9 मिनट में वापसी जा रहे हैं। तो भाई ये जो 15 मिनट की जो हाइक करिए 9 मिनट में वापसी जाना है भाई, ये बताना चाह रहे हैं 6:34 हो गए हैं, तो यहाँ से भागते हुए नीचे चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर नीचे, आपको छोड़ते हैं इस व्यू के साथ। तो भाई वहाँ नीचे वो रहा शहर, एंड होपफुली और एक दो मिनट में हम वहाँ नीचे पहुँच जाएंगे। जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है यार, मतलब इतना शांत है ना ये गंडोला जिसकी हद नहीं है। अब ये ब्रेक्स लगना शुरू हो गई हैं, और गाइस एक बारी पूरा का पूरा शहर चेक करो, मतलब पूरी वैली इतनी सुंदर बनाई हुई है भगवान ने, और फिर उसके बाद हम इंसानों ने उसमें अपना आशियाना बसा के एक अलग ही, मतलब होता ना कि मतलब भाई यहाँ पे रहना अगर कोई चाहे तो आई थिंक हम में से सारे यहाँ पर रहना चाहेंगे, एंड ये शहर अलग से इतना सुंदर है जिसकी कोई हद नहीं है।
वेल वर्थ $22 फॉर दिस थिंग, ऊपर जाके नीचे आना वेल वर्थ। सो गाइज यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू था, $22 पर पर्सन के हिसाब से इट वॉज़ फिनोमिनल, ऊपर जाना नीचे आना विद दैट व्यू। एंड अब यहाँ से जाएंगे पॉल लेक, पॉल लेक इज़ अबाउट 45 मिनट्स दूर है हमारे यहाँ से, तो सीधा अब हम वहाँ मिलते हैं। और अगर बीच में कुछ मेरे को अच्छा सा व्यू दिखा तो आई एम डेफिनेटली गोना कैप्चर दिस एंड आई एम गोना पुट इट फॉर यू। सो लेट्स गो और पॉल लेक चलते हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ का व्यू। भाई लेक के पास पहुंच तो गया, बट लेक के पास आने का ना एक अजीब सा तरीका हमारे को मिला, एक अजीब सा रास्ता मिला, तो अपन मगर क्यों ना उसको जरा देख लिया जाए, गौर आजमा लिया जाए। भाई अब तो ये देखो एक बारी कितनी स्टीप इसकी वो है उतराई, तो यहाँ से उतारते हैं इंस्टेड ऑफ पार्किंग ऑन दी अदर साइड और फिर लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा पानी के और ज़्यादा क्लोज। एंड धीरे धीरे भाई राहुल भाई लेकर आ रहे गाड़ी नीचे। तो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रक ही आ सकता है। ले आओ ले आओ। वैसे देखा जाए तो इजीली उतर जानी चाहिए, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। ये वो अभी सिक्स्थ ड्राइवर है ना, मतलब थोड़े नए नए से ड्राइवर है, मतलब मैंने ऊपर से रियलाइज किया था कि नहीं उतरेगी, बट इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो यार बहुत बढ़िया व्यू है, शाम हो रही है, बहुत बढ़िया चिली सा वेदर हो चुका है काफी, और आप व्यू देखो अच्छे से, सूरज ढलने लगा है और यार एक छोटी सी बीटी हो गई। अपन यार हुक्का पीने का विचार बनाया था कि एक सनसेट के साथ एक बढ़िया सा व्यू लेंगे और हुक्का पियेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले हैं भाई, हुक्का तो पीना बनता है, और कई दिन से ट्रैवल कर रहे तो टाइम नहीं मिला, मगर भाई साहब ढूंढ रहे हैं हुक्का के फॉइल अपनी। अब फॉइल मिली क्या भाई साहब? नहीं भाई नहीं मिली, उस पे रहेगी होटल पे। तो भाई साहब दिन में 40 बीटी होती है, उनमें से एक अपने हुक्के के साथ हुई तो बड़ा बुरा फील हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, बुरा फील हो अच्छा फील हो, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, व्यू इज़ मेसमराइजिंग, तो इसको देखेंगे, इन्जॉय करेंगे, इसे सोक करेंगे अच्छे से, सनसेट देखेंगे यहाँ पे, और फिर जाएंगे अपने होटल पे, चेंज वेंज करेंगे, शाम को देखते हैं कोई खाने का स्पॉट ढूंढते हैं, कोई डिनर स्पॉट देखते हैं कोई अच्छा सा, और फिर आगे आपको मिलते हैं। हाँ भाई भेलपुरी भी मिली थी, भेलपुरी खाएंगे, नहीं मिला हुक्का पिए नहीं पिए भाई, भेलपुरी भी खाएंगे आराम से, व्यू जरूर इन्जॉय करना है। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।